नमस्कार विवर्स, बालू मिट्टी ठेकेदार कैसे अपने मुनाफे को डबल कर लेते हैं। सज्जनों, एक कहावत है कि आप में कमाने की हुनर होनी चाहिए, आप में कमाने की हुनर होनी चाहिए, बालू मिट्टी के भी आप पैसे कमा सकते हैं। सज्जनों, आज के युग में पैसा कमाना बहुत जरूरी है और जो पैसा कमाना जानते हैं वो बालू मिट्टी से भी सिंगल नहीं डबल कमाई कर लेते हैं। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि वो कौन लोग हैं और कैसे डबल कमाई कर लेते हैं। सज्जनों, बड़े बड़े डिग्गीज, वाटर टैंक, CWRs, बहुत से ऐसे निर्माण कार्य होते हैं, अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स बनती हैं, उनकी एक्सकेवेशन का काम बहुत गहराई तक करना पड़ता है और वो लगातार कई दिनों तक चलता है। बहुत लंबी चौड़ी खुदाई करनी पड़ती है और वो एक्सकेवेटेड सॉइल दूसरी जगह डालनी पड़ती है। जो मिट्टी के ठेकेदार होते हैं, यानी जो मिट्टी सप्लाई करते हैं, वो इसमें डबल मुनाफा कमा लेते हैं। वो कैसे कमाते हैं मैं बताता हूँ आपको। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जिनके अच्छे गहरे फाउंडेशन होते हैं, उनकी एक्सकेवेशन करने के बाद में जो मिट्टी निकलती है उसका वो दूर डालने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और लीड तय कर लेते हैं कि साहब कम से कम ये 4 किलोमीटर दूर डाली जानी होगी, तो उस लीड के हिसाब से वो पैसे तय कर लेते हैं और वो लीड उनको मिल जाती है। और उसी मिट्टी को दूसरी जगह जो बिल्डिंग बनती हैं उनके प्लिंथ ऊंचे लेने के लिए, जैसे रोड से 4 फीट ऊंचा मकान लेना है तो उस 4 फीट ऊंचाई लेने के लिए चारों तरफ चिनाई वगैरह करने के बाद में उसमें सैंड फिलअप करनी होती है, और वो फिलअप करने वाली सैंड वो एक जगह से एक्सकेवेटेड सॉइल लाते हैं और दूसरी जगह फिलअप करवा देते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। उधर से उन्होंने एक्सकेवेटेड सॉइल को 3-4 किलोमीटर दूर डालने की लीड ले ली और यहाँ उन्होंने फिलअप करने की रेट ले ली, तो उधर से पैसा आ रहा है उनको और इधर से मिल रहा है। इस तरह ये डबल कमाई कर लेते हैं, एक ही काम को करने के डबल पैसे मिल जाते हैं उनको। कहीं न कहीं तो उनको मिट्टी डालनी होती है तो वो फालतू की जगह नहीं डालकर वहाँ काम वाली जगह डाल देते हैं और डबल कमाई कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें चाहिए क्या होता है, इसके लिए उन्हें चाहिए होता है एक ट्रैक्टर ट्रॉली अथवा कोई ट्रक ट्रॉली जिसमें वो उस मिट्टी को भर के ले जाते हैं। JCB उनके लिए चाहिए तो JCB वो हायर कर लेते हैं। आजकल JCB पर आवर के हिसाब से, पर ट्रॉली भरने के हिसाब से काफ़ी मिलती हैं और वो वहाँ से ला करके दूसरी जगह डाल देते हैं। इस तरह वो अपना मुनाफा डबल कर लेते हैं। आपको पता होगा किसी भी मकान को निर्माण के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, पेटी पे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। निर्माण करने के बाद में जब उसकी प्लिंथ तैयार हो जाती है तो उसको फिलअप करने के लिए, उसकी फाउंडेशन में मिट्टी डालने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 50x40 की एक बिल्डिंग बन रही है। अब 50x40 की बिल्डिंग बन रही है, उसको प्लिंथ उन्होंने रोड से 8 फीट ऊंचा लिया है, यानी 3 फीट उन्होंने गहरा किया है और 5 फीट ऊंचाई ले ली, तो वो टोटल 8 फीट की फिलिंग अब उसमें करनी है। तो 8 फीट की फिलिंग जो ही करेंगे तो 40x50x8, इट मीन्स वो करीब 1600 फीट मिट्टी उसमें डाली जाएगी। अब 1600 फीट मिट्टी एक्चुअली वो जब उसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं
तो बोलते हैं साहब इसमें 1600 फीट मिट्टी आएगी, जबकि उसमें सॉरी 16000 फीट मिट्टी आएगी, तो एक्चुअली उसमें आती है 14000 फीट मिट्टी। क्यों आती है कि बाकी जो रद्दे वगैरह थे उनकी उनका वो लेस होना चाहिए, अब वो लेस वो काउंट नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से 14000 फीट मिट्टी डाल करके वो फिलअप की जा सकती है और लेवल सही किया जा सकता है। तो इस तरह उनको कम से कम 10-12% की ये कमाई हो जाती है। दूसरी बात कि इधर से उन्होंने मिट्टी एक जगह से खुदवा कर दूर डालने के पैसे ले लिए और इसमें ला के डालते हैं, वो दूर डालने वाली मिट्टी यहाँ आके डाली जा रही है, ये अब दोनों पार्टीज को पता नहीं होता है। अगली पार्टी को कहता है मैं नई जगह से मिट्टी ला रहा हूँ, और दूसरी पार्टी को कहता है कि मैं वहाँ नहीं दूर जाके डाल रहा हूँ। इस तरह वो अपनी कमाई को डबल कर लेते हैं। अब उनके पास जैसी भी घर की होती है अथवा किराए पर हायर कर लेते हैं, ट्रैक्टर खुद की ट्रॉली होती है तो उसमें वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं, और इस तरह वो लाखों रुपए महीना कमा लेते हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन संसाधन करके इस तरह अच्छा पैसा कमा लेते हैं। आप भी यदि ये काम करना चाहें तो अच्छा पैसा बन सकता है, कोई रिस्क नहीं है, छोटा सा काम है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके ये पास यदि ऑलरेडी ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, तो आप आराम से ये एक ड्राइवर रख के आराम से काम करवा सकते हैं। सज्जनों, मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और लाइक निश्चित रूप से कीजिए। नमस्कार।